आज का जो स्टॉक है वो ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और पहले टारगेट बता दूं 2350। और ये कंपनी भी देखिए एक बहुत पुरानी कंपनी है, और इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही थी, एक्सटेंडेड वीकेंड की बात हो रही थी, तो देखिए ये कंपनी भी इंडिपेंडेंस के पहले की कंपनी है अनिल जी, 1947 में इंडिपेंडेंस, और उसके पहले की 1945 से कंपनी कार्यरत है। तो कहने का मतलब है कि कितनी पुरानी कंपनी और इतनी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी, क्वालिफाइड प्रोमोटर्स, तो ये और प्लस इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, कंपनी तो सिर्फ क्या 1800-2000 करोड़ की कंपनी है, मगर 7 स्टेट्स में इन्होंने अपने अलग अलग ये ग्रुप ने करीब 29 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रखे हैं। सो दैट इज अगेन ह्यूज, और इनका एक अच्छा टेक्निकल कोलैबोरेशन है एक कंपनी से जो कि जर्मनी की कंपनी नहीं हो, जापान की अनिल जी, और वो है स्टैनले इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड जापान की, तो जिससे बहुत पुराना इनका कोलैबोरेशन है, जिसकी वजह से ये लोग अच्छे खासे मार्केट लीडर है ऑटोमोबाइल लाइटिंग में। अगर देखें तो ल्यूमेक्स नाम बहुत पॉपुलर है, दिखता भी है, और काफी अगर इनका 90% ऑफ द OEMs जो इंडिया में है उनके साथ इनका काम चलता है, तो जिसमें मारुति, हीरो होंडा, हीरो मोटो कॉर्प, होंडा, M&M, ऑडी, ये सब में ये लोग के अच्छे खासे सप्लाईज है। तो ऑटो ऑटो इंसिलरी वैसे ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और एक अच्छी कंपनी मिल गई, और ये मैंने एक बार जेम्स में पहले कवर किया हुआ है, और आराम से टारगेट अचीव हुआ और ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ हुआ है, तो अभी वही स्टॉक्स देखने की जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए और ऊपर के लेवल से अगर स्टॉक करेक्टेड हो तो बहुत बढ़िया है। और कई नए प्रोडक्ट पाइपलाइंस भी इनके थे, PCBs में लोग की एंट्री हुई है, और एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, HVAC में भी सेगमेंट में भी ये लोग एंट्री ले रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत बढ़िया लगी मुझे, और कंपनी की ग्रोथ भी बढ़िया है, और कुछ इनका मैं कॉन कॉल नोट्स देख रहा था तो वहां से भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि इनके पास बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक पोजीशन भी है, और ईवी मॉडल्स में भी इनके अच्छे खासे सप्लाईज जा रही है, 1300-1400 करोड़ की ऑर्डर बुक, सो विच इज यूज, और अगेन इनकी कैपेक्स भी है, आगे आने वाले दिनों में 125-150 करोड़ के कैपेक्स है, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आ जाता हूँ। जैसा मैंने कहा कि करीब 1800-2000 करोड़ की कंपनी है, 17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 19-20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी उन्हीं लेवल्स पे, अच्छा खासा डिविडेंड देती है करीब 1.5% के बीच में, और सेल्स की कैगर और प्रॉफिट की कैगर दोनों करीब 13-14% के लगभग है कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से, और बुक्स में डेट्स जरूर है क्योंकि इनके कैपेक्स है, इतने सारे प्लांट्स ये लोग लगा रहे हैं, तो ग्रोथ आ ही रही है। फिर मैं देख रहा था जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बहुत बढ़िया थे, जून क्वार्टर के रिजल्ट 512 करोड़ से टॉप लाइन बढ़ी है 618 करोड़, यानी कि अच्छी खासी सेल्स की ग्रोथ है। उसी तरीके से बॉटम लाइन भी देखें तो वो भी 20 करोड़ से 23 करोड़ के लगभग पहुंची है, और 106 करोड़ का TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई है कंपनी। एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी है, सिर्फ 9 करोड़ की इक्विटी है, इसलिए भाव भी बड़े दिखते हैं, तभी वो 2000 प्लस के भाव दिखते हैं, और प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 75% की शेयर होल्डिंग है, FIIs, DIIs बहुत ज्यादा होल्डिंग भी करते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2-2.5% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 2350 के टारगेट के लिए।